यतो धर्म सनातन, इसीलिए इस धर्म को सनातन कहा गया है। आजकल तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 5000 साल से पुराना इतिहास स्वीकार करने के लिए ही राजी नहीं है, कहते सब घटनाएं 5000 साल तक की हैं, इससे पहले की कोई घटना नहीं है। लेकिन हमारे यहां जो वर्णन है वो तो लाखों करोड़ नहीं अरबों खरबों वर्ष का वर्णन है, और इन अरबों खरबों वर्षों से जो व्यवस्था अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है उसी व्यवस्था का नाम है सनातन व्यवस्था, उसी का नाम है सनातन धर्म, और आज भी वही व्यवस्था चल रही है। और लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, न जाने कितनी बार प्रलय हुआ और कितनी बार सृष्टि हुई, पर सनातन धर्म का स्वरूप कभी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसका नाम है सनातन। सनातन शब्द का अर्थ होता है सदा भव सनातन, जो सदा सर्वदा एक सी अवस्था में रहे उसे सनातन कहते हैं। और अब इस समय के नेता तो उनको हम नहीं कह सकते, अभिनेता भी नहीं कह सकते, सिर्फ फिरे लोग जिनका मगज खराब हो गया है, दिमाग बिगड़ गया है, ऐसे आसरी प्रकृति के लोग अब सनातन धर्म को ही नष्ट करने की बात कह रहे हैं। उसको डेंगू और जाने कौन कौन की उपमा दे रहे हैं, क्या डेंगू कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, डेंगू के समात है, टीवी के जैसा है, एड्स के जैसा है, इसके कीटाणु जड़मूल से खत्म करने चाहिए। अरे भैया हिरण्य कश्यपु नाय मिटाए पायो, हिरण्याक्ष नहीं मिटा सका, रावण कुंभकर्ण नहीं मिटा सके, शिशुपाल कंस दंत वक्त्र आदि नहीं मिटा सके, मुगल काल में बड़े बड़े दुर्दांत म्लेच्छ आए वे नहीं मिटा सके, गोरे नहीं मिटा सके, और आज के लोग जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है वे सनातन को मिटाने की बात कह रहे हैं। अरे सनातन को मिटाने की बात कहने की बात जाने दीजिए, इसे मिटाने की बात सोचने वाले भी विनष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उनका नाम निशान नहीं रहेगा। लेकिन सनातन सदा सर्वदा से था, सदा सर्वदा से है, और सदा सर्वदा एक से ही अवस्था में रहने वाला है। यह एक विशेष बात भागवत जी में लिखी है कि चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान श्रुतिगणान्यथा तपसा ऋषियो पश्यन्यतो धर्म सनातन। चतुर्युग के अंत में जब काल के प्रभाव से वैदिक ज्ञान लुप्त जैसा हो जाएगा उस समय पुनः सप्तर्षि अपने तपोबल से श्रुतियों का साक्षात करके पुनः उसे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देंगे। लेकिन कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब सनातन नष्ट हो जाए। जब तक ऋषि हैं तब तक सनातन नित्य कैसे होगा, जब तक वेद हैं तब तक सनातन नष्ट कैसे होगा, नहीं हो सकता है। भगवान की प्रेरणा से मन्वंतर बड़ी सावधानी से और धर्म की रक्षा करते हैं, मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से धर्म परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं, और मनुपुत्र मन्वंतर भर काल और देश का विभाग करके प्रजा पालन और धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ जिनमें ऋषि पितर भूत मनुष्य आदि का संबंध है उनके साथ देवता उस मन्वंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी भगवान ने इंद्र को दे रखा है। भगवान युग युग में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन सनकादिक सिद्धों के रूप में प्रकट होकर के ज्ञान का, याज्ञवल्क आदि ऋषियों के रूप में प्रकट होकर के कर्म का, और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में प्रकट होकर भगवान योग का उपदेश करते हैं। इसलिए ज्ञान की परंपरा भी सनातन है और कर्म की परंपरा भी सनातन है और योग की परंपरा भी सनातन है।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।